नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिनांक 25 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सेवा योजना आरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन शाहपुर पनकी स्थित रमन गेस्ट हाउस में जेएल रोहतगी हॉस्पिटल के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गायत्री सिंह, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार मिश्र, डॉक्टर सारिका सिंह, डॉक्टर सारिका वाजपेयी, कौशल किशोर तथा 50 स्वयंसेवक छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था में सहयोग किया। गांव के घर घर जाकर लोगों को सूचित किया। शिविर के पूर्व छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य जागरूकता रैली भी निकाली। स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के संयोजक समृद्ध राय हैं, जिनके सहयोग से ही यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो गया। इस अवसर पर नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण, बीपी, शुगर चेकअप, ईसीजी, हड्डी एवं जोड़ों के चेकअप और पूरा शारीरिक परीक्षण किया गया। शाहपुर पनकी गांव के कुल 197 स्त्री पुरुष और बच्चों ने चेकअप करवाया। जे एल रोहतगी हॉस्पिटल कानपुर से डॉक्टर अंजलि दीक्षित, डॉक्टर सत्या मेहरा, अरुण कुमार, डॉक्टर रोहित सचदेवा, डॉक्टर आलोक रावत, डॉक्टर सार्थक, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर शिल्पा, डॉक्टर तुलिका, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर दीप्ति दीक्षित, डॉक्टर रेखा यादव, डॉक्टर राहुल वर्मा आदि ने परीक्षण किया। चिकित्सकों ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी, आंखों की कमजोरी, शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। कुछ लोगों को मोतियाबिंद की भी समस्या है। ईसीजी के दौरान कुछ लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। कुल मिलाकर यह स्वास्थ्य शिविर क्षेत्रीय लोगों में जागरूकता की लहर पैदा कर गया। शिविर के चौथे दिन भोजनोपरांत बौद्धिक सत्र में डॉक्टर बिंदु सिंह, प्रांतीय संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कानपुर का आगमन हुआ। डॉक्टर बिंदु सिंह ने व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचकोश के माध्यम से व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण बहुत सहज और सरल भाव से किया जा सकता है। ये कोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनामय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यदि हम उन्हें सही कर लें तो हमारा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण दुरुस्त हो सकता है। राहुल कुमार, योग शिक्षक, ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग करने से शरीर, मन और आत्मा को बौद्धिक विकास होता है। बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग एवं ध्यान अति आवश्यक है। सभी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए एवं दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। बौद्धिक सत्र का संचालन कौशल किशोर ने किया तथा आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सारिका सिंह, डॉक्टर सारिका वाजपेयी, डॉक्टर विवेक सिंह, कुमारी प्रिया, शिखा, कीर्ति, रजत, सोनम, सुनीता आदि स्वयंसेवकों ने शिविर का नेतृत्व किया। कानपुर से स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट।